पिछले 1.5 साल से अपनी पत्नी से चल रहे विवाद के बाद पुलिस से न्याय दिलवाने की उम्मीद में आज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बमुश्किल युवक को नीचे उतारा और उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। जानकारी के मुताबिक नसीराबाद के नगरी गांव का रहने वाला रामस्वरूप बुधवार को जयपुर रोड स्थित RPSC के सामने एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और लोगों ने सिविल लाइन थाने को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारने की काफी कोशिशें की। बड़ी देर की समझाइश के बाद युवक नीचे उतर आया। उसने बताया कि उसकी पत्नी के किसी अन्य युवक के साथ अवैध संबंध है, जिसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास है, लेकिन कई बार अपनी पत्नी को समझाने और ससुराल वालों को पत्नी का सच बताने के बाद भी कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा हर कोई उसी को दोषी बताने में लगा था, जिसके चलते वह डिप्रेशन में आ गया और उसने जिला और पुलिस प्रशासन से न्याय पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ने का रास्ता इख्तियार कर लिया। रामस्वरूप का कहना है कि उसने अपनी पत्नी के खिलाफ एक मेमोरी कार्ड बतौर सबूत पुलिस को दिया है, जिससे अब उसे न्याय मिलना ही चाहिए। भाई, मैं नसीराबाद से आया हूँ, मेरी बीवी यहाँ है और साइबर नेटवर्क का केस है। ये क्या मामला है? मामला क्या, औपचारिक वीडियो बना हुआ है और ये इसमें है, चिप में। किसका? मेरी बीवी का। किस तरीके का? औपचारिक, जो जिसको देख नहीं सकते अपन। अच्छा, किसके साथ? वो मैं पंचायत में, तो मैं वीडियो वालों को इकट्ठा नहीं करता। मैं अगर चाहता मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो हकीकत बक्ते में रखने के लिए तैयार हूँ। हकीकत बता दे, क्योंकि सुनता नहीं है ना मेरी बात कोई भी। शिकायत 1.5 साल से है मेरी, 1.5 साल से शिकायत है मेरी। होली की धमाचौकड़ी और मस्ती के बीच कुछ लोगों पर शराब का नशा इस कदर हावी हुआ कि कई लोगों की जान सकते में आ गई। पूरा मामला राजस्थान रोडवेज की बस से जुड़ा है, जो कोटा डिपो की बताई जा रही है। देर रात को आदर्श नगर थाना इलाके में कोटा से अजमेर आ रही अनियंत्रित बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। अचानक अनियंत्रित हुई इस बस से इलाके में अफरा तफरी मच गई, यात्रियों की जान सकते में आ गई। जब बस रुकी तो स्थानीय लोगों और बस में सवार लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इस बात का था कि बस का ड्राइवर और खलासी होली के खुमार में इस कदर शराब के नशे में थे कि उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि वो अपने साथ बस में कई जिंदगियों को लेकर चल रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराब के नशे में धुत ड्राइवर और परिचालक को जबरदस्ती गोद में उठाकर पुलिस जीप में डाला। फिलहाल बस कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना की जानकारी रोडवेज प्रशासन को भी दे दी है। जोधपुर डिपो की कोई गाड़ी है रोडवेज की, इसके जो ड्राइवर है उसने और कल्लासी ने, दोनों ने शराब का सेवन कर रखा था। इसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पे इसमें सवारी भरी हुई थी। बस के ड्राइवर ने 2-3 को उड़ाने की यहाँ पे कोशिश की, तो इसने गलती से ब्रेक लगाने से यहाँ पे 2-3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद में यहाँ पे आदेश नगर थाने की जाप्ता पूरा आया, उसके बाद में चेतक के जीप के भी कर्मचारी आए और रोडवेज कर्मचारियों को भी फ़ोन कर दिया गया।